खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमना जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोडी का मामला सामने आया है, जहां विद्यालय का कई महीनों से हैंड पंप खराब के कारण छात्र काफी समस्या का सामना कर रहे हैं। वही हैंड पंप खराब होने के कारण छात्रों की पढ़ाई भी चौपट हो रही है। पानी ना मिलने के कारण वही जहाँ आपको बता दे, सरकार के द्वारा मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गई है। मध्यान्ह भोजन के लिए भोजन बनाने वाले दूर से पानी लाना पड़ता है। वही विद्यालय पानी की व्यवस्था न होने के छात्र काफी समस्या का सामना कर रहे हैं। छात्रों के द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से मांग की गई है। हैंडपंप को सुधार कराने के लिए अब यह देखना होगा कि संबंधित हैंडपंप के विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा हैंडपंप को सुधार कराया जाता है कि यूं ही लापरवाही करते रहेंगे। इस संबंध में छात्रों के द्वारा बताया गया कि कई महीनों से हैंडपंप निशान होने के कारण हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पदस्थ अतिथि शिक्षकों के द्वारा भी बताया गया कि संबंधित विभाग को शिकायत करने के बाद समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। चलिए ठीक है, मिल रहा है छोटू? नहीं, कई महीने से नहीं मिल रहा है। दो महीने काहे नहीं मिल रहा है? नल खराब होने का कारण। आप तो क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ये नल बनवा दें तो लड़का। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? अच्छा छः। ये क्या पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था नहीं है, नल खराब है, बच्चों को पानी पीने के लिए बहुत समस्या हो रही है। दूर से पानी लाना पड़ता है, दूसरे चापाकल भी जाना जरूरी नहीं, रोड पे बहुत सड़क भी जाते हैं गाड़ी उड़ी। दो महीने से बंद है, सही से नहीं चल रहा है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि चापाकल हमारा बंद चालू हो जाए तो बच्चे पानी स्कूल में पिए, कहीं ना जाएं, सही पढ़ाई हो। अभी हमने 181 में कॉल करके, मेरा नाम राम सुख रैदास, अति शिक्षक में काम करता हूँ यहाँ। अभी 181 में कॉल किया था बनवाने के लिए, तो आए बनाए, लेकिन हैंडपम्प की पाइप जो है ख़राब है, उन्होंने लगाया नहीं, कहे हम लगाएंगे, और शिकायत भी हमारे कहें कि कटवा दीजिए, हम बना दिए हैं, लेकिन बना नहीं, पानी फिर से और ख़राब हो गया, पानी ही नहीं दे रहा है, बच्चों को तकलीफ हो रही है पानी पीने के लिए, और बहुत दूर चले जाते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं इधर उधर, तो इनको खतरा रहता है कि कहीं कुछ झगड़ा कर लें, या फिर रोड है, गाड़ियां चलती रहती हैं। जिम्मेदारी से चाहते हैं कि शासन द्वारा है, जो है तो यहाँ का हैंड पंप बनवाया जाए, और एक यहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, मोटर भी चलता है, तो वो भी खराब पड़ा हुआ है, उससे भी पानी नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है।